India Emporium Fahurat. India Emporium Fahurat. Yes. Okay. तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त आर्श। और दोस्तों आज मैं एक खास जगह पे निकला हूं, जिसका जो एरिया का नाम है फाहुरात एरिया, जो एरिया के अंदर हमारा एक इंडियन एम्पोरियम नाम का मॉल है और हमारे बहुत सारे इंडियन भाई की यहाँ पे शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स है और जो कापड़ की दुकान होती है उनका बहुत सारा यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है। और कितने यहाँ पे थाई सिख भी है कि जब बहुत सालों से हमारे इंडियन यहाँ पे रहते हैं, उनके पास थाई नेशनलिटी है, वो लोग भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और वैसे भी इंडियन है कि जो लोग वर्क परमिट कंपनी बना के यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों ये जगह हमारी इंडियन के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कल्चर देखने को मिलता है, हमारी पब्लिक देखने को मिलती है, हमारी स्वीट्स मिलती है, हमारा फूड मिलता है, ग्रोसरी मिलता है, तो सब कुछ यही एरिया में हमको मिलता है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी एक बात है, यहाँ पे सबसे चीप मिलता है। बहुत सारे एरिया में हमारी इंडियन की शॉप है, इंडियन ग्रोसरी शॉप, पर ये एरिया में जो आपको चीज़ मिलेगी इतनी सस्ती आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे की बात में करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये मार्केट कैसा है। और फिलहाल तो अभी ये इंडियन एम्पोरियम बंद है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो अभी टोटली क्लोज है बिकॉज ऑफ कोविड। पर उसके बाहर जो हमारी इंडियन ग्रोसरी शॉप है, इंडियन स्वीट की है शॉप्स, जो रेस्टोरेंट है छोटी मोटी, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ आप देखने को मिलेगी। और आज मैं चाइना टाउन है, फाहुरात एरिया है और चार पांच मार्केट को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आप कंटिन्यू बने रहे। मेरे सामने जो देख रहे हो जिसका नाम है इंडियन स्पाइसी किचन, तो ये वाला एक रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है फाहुरात में, और यहाँ का खाना टेस्टी भी है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी स्वीट्स मिलती है, यहाँ पे रसगुल्ला है, जलेबी मिलती है, देखो ये जलेबी भी है ऊपर, ठीक है। तो जलेबी भी है यहाँ पे, और नीचे बहुत सारी बर्फी से हलवा है और मोदक भी है, रसगुल्ला है। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ मिलता है बैंकॉक में। ये एरिया में आओगे तो आपको पूरा इंडिया जैसा ही फीलिंग आ जाएगा। तो ठीक है, और एक आगे शॉप देखते हैं, आगे और एक रेस्टोरेंट देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऐसी भी बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पे आपको इंडियन ट्रेडिशनल सब कुछ चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो दोस्तों ये एरिया में आके पूरा इंडिया का ही फीलिंग आ रहा है, क्योंकि सब कुछ चीज़ इंडिया की मिल रही है यहाँ पे, टोटली यहाँ पे मिलता है इंडियन प्रोडक्ट, तो आके पूरा इंडियन फीलिंग ही आ गया है यहाँ पे। देखो दोस्तों कितनी सारी प्रोडक्ट्स मिलती है यहाँ पे, हमारे इंडियन भाइयों की शॉप है यहाँ पे। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हो एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रॉयल रसोई। इनका एक रॉयल इंडिया भी है और एक दूसरा ब्रांच है, इसका नाम रॉयल रसोई है। तो आप देख सकते हो थाईलैंड के अंदर बैंकॉक सिटी में फाहुरात एरिया के अंदर ये वाला शॉप्स है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी स्वीट्स है जो पूरी इंडिया की फीलिंग हमको ला रही है अभी। और आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी की है, फ्रूट्स की मिठाई है इनके पास, और ऊपर गुलाब जामुन है, आप देख सकते हैं गुलाब जामुन है, बाजू में काला जाम है, उसके बाजू में एक मिक्स फ्लेवर वाला एक मिठाई है। तो बहुत सारी स्वीट्स दोस्तों इनके पास है और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बाजू में भी लड्डूज़ है, और यहाँ पर है दोस्तों रसगुल्ला, जो बंगाली का फेमस होता है रसगुल्ला। उसके बाजू में है मावा की मिठाई है, ये सब बर्फी से बादाम बर्फी, ये मावा की है, ये सबसे मेरी फेवरेट वाली है ये मावा। और ऊपर है मोदक, जिसको बोलते हैं लड्डू, तो मोदक भी इनके पास है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ऊपर भी इनके पास कलरफुल जो फ्रूट्स वाली है सब, ये एप्पल वाली है, बाजू में रोज़ फ्लेवर में है, तो इनके पास बहुत एक अच्छा सा कलेक्शन है स्वीट्स का। और एक चीज़ दोस्तों, इनके पास स्नैक्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे ये हो गई आपकी तीखी सेव हो गई, ठीक है, इसके बाजू में है पपड़ी है, और उसके नीचे भी सेव है, थोड़े अलग अलग फ्लेवर की सेव है ये लोग। और यहाँ पे मट्ठी, जो मट्ठियाँ बोलते हैं जो छोटी छोटी, ये है, उसके बाजू में पपड़ी है, और इसके नीचे ये लोग के स्वीट के बॉक्स ऐसे आते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, स्वीट का अगर आपको प्राइस जानना है तो यही भाई से हम पूछते हैं, भाई कितना प्राइस है पर पीस और कितने में क्या मिलता है, किलो में मिलता है, पर पीस पे मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और दोस्तों अंदर उनका रेस्टोरेंट है हमारा इंडियन वेजिटेरियन फूड, तो अभी कोविड की वजह से ये लोग ने क्लोज करके रखा है। जब कोविड का थोड़ा सिचुएशन कम हो जाएगा, गवर्नमेंट अलाउ जब कर देगा, तब ये लोग यहाँ पर भी ओपन कर देंगे, तो एक लॉग यहाँ पर भी बनाएंगे इनका फूड कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो देखने से तो इनका अच्छा ही लग रहा है सब कुछ, पर बाद में हम एक अच्छा सा रिव्यू भी करेंगे इनका। तो भाई अभी ये भाई है, ये शॉप्स को अभी हैंडल कर रहे हैं। तो भाई अभी इसका प्राइस क्या है ये सब सारी स्वीट का, अब बताइए। कोई 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, अलग अलग प्राइस। राइट। तो दोस्तों ये सब स्वीट है, इसका प्राइसिंग क्या होता है यहाँ पे जनरली किलो में होता है, पर ज़्यादा हमारे इंडियन जैसे हमारे जैसे सिंगल यहाँ पे रहते हैं, एक दो आदमी रहते हैं, तो हम किलो नहीं ले सकते, तो यहाँ पर पीस ले सकते हैं।
तो कोई कोई चीज़ें 10 बाट की है, 20 बाट की है, 15 बाट की है, 20 बाट की है, ठीक है। तो ऐसे ही सब यहाँ पे स्वीट्स है जो आप पर पीस पे ले सकते हैं। और ये लड्डू है ये 10 बाट के है, तो इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको एक एक पीस चाहिए तो आपको 100 बाट के अंदर पाँच या 7 टाइप की वेराइटीज़ आपको स्वीट में मिल जाएगी, राइट। ठीक है भैया, तो फिर मिलेंगे जब आपका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, तो मैं श्योर आपका रिव्यू करने आऊँगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और गाइस, मैंने यहाँ पे देखा हमारा एक इंडियन ग्रॉसरी शॉप है जो हमारे इंडियन भाई का ही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी प्रोडक्ट्स मिल रही है। तो यहाँ पे आटा मिलता है, हमारा मसाला मिलता है, एवरेस्ट का मसाला है, घी मिलता है, ऑयल मिलता है, चाय मिलती है, तो बहुत सारी हमारी इंडियन की प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इंडिया से इंपोर्ट होती है, आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी है इनके पास, तो बहुत सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। मेरे सामने देख रहे हो यहाँ पे है पंजाब स्वीट्स नाम का एक शॉप है, जिनका ग्रॉसरी स्टोर भी है और इंडियन स्वीट्स भी मिलती है यहाँ पे, और सब कुछ फ्रेश मिलता है। यहाँ बाजू में ही बनता है और यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिलता है। और उसके बाजू में इनकी रेस्टोरेंट भी बंद अभी है, पर अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से ये लोग ने बंद करके रखी हुई है। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी स्वीट मिलती है। और यहाँ पे भी वही प्राइसिंग है, 15-20 बाट के पर पीस मिलता है यहाँ पे। ये भी है, समोसा भी है। और दोस्तों समोसा और कचौरी सब मिलता है। और ये हमारे इंडियन भाई है, यही ये रेस्टोरेंट को हैंडल करते हैं। आप देख सकते हैं समोसा गरम गरम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये शॉप कितनी साल पुरानी है? 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी शॉप है भाई इनकी। ये भी खाना भी है। राइट। और इनके पास इंडियन ग्रॉसरी भी मिलता है, आप देख सकते हैं सब कुछ ग्रॉसरी भी है इनके पास। चावल दाल आटा घी किसान सब कुछ है। राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी स्वीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। और ये लोग हर रोज़ बनाते हैं, जैसा जैसा उनका स्टॉक खत्म होता है वैसे बनती है यहाँ पे। मैं कितनी बार आके यहाँ पे मैंने लिया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ भी दिख गई, जो हमारे पान भी अवेलेबल है, पान मसाला यहाँ पे। तो आपको यही एरिया में खाली मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैगी भी मिलती है, हमारा सब कुछ MDS का मसाला है, एवरेस्ट का मसाला है, हल्दीराम्स का है, पूरा स्नैक्स है यहाँ पे, आटा मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आटा मिलता है आशीर्वाद का। तो हमारी टोटली इंडियन प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है, ये देख सकते हैं आप, दाल है सब कुछ यहाँ पे, हमारी मिक्स दाल है, मूंग दाल है, चने की दाल, राजमा से लेके सब दाल भी अवेलेबल है यहाँ पे। इंडिया एम्पोरियम फाहुरात, ओके। तो दोस्तों ये इंडिया एम्पोरियम के नीचे ही है, जो पीछे आप साइड में आओगे तो ये शॉप यहाँ पर ही अवेलेबल है, ठीक है। कॉर्नर में गली है जहाँ पे आपको भजिया, समोसा और वड़ा यहाँ पे गरम गरम मिलता है आपको, ठीक है। ये आपको यही एरिया के अंदर मिलेगा, फाहुरात एरिया आप नाम याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा ये चीज़, बाकी और कहीं जगह पे आपको नहीं मिलेगा इतना इजीली। और दोस्तों मेरे सामने जो आप देख रहे हो इंडिया एम्पोरियम, उसका नाम है, ये हमारा पूरा इंडियन का मॉल है ये। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडियन भाई की शॉप्स है जो लोग सेल करते हैं यहाँ पे। इंडियन ग्रॉसरी हो गया, जैसे इंडिया का कपड़ा हो गया, लेडीज़ का कपड़ा, एसेसरीज हो गया, और इंडिया से बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आती है कि जो आपको इंडियन एम्पोरियम में ही आपको मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये लोग ने कोविड की वजह से क्लोज करके रखा है, पर जब ओपन होगा तब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे क्या उसका सीन है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। एम्पोरियम के एग्जैक्ट बाजू में अगर आप देख सकते हो ये वाला बिल्डिंग जो है इंडियन गुरुद्वारा, हमारा सिख लोग का, तो यहाँ पे गुरुद्वारा है, ठीक है। पर अभी वो कोविड की वजह से फ़िलहाल बंद है, अंदर जा नहीं सकते, पर मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा का एंट्रेंस। तो ये वाला दोस्तों गुरुद्वारा का एंट्रेंस है, अभी फ़िलहाल बंद है, राइट। और दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सी कैनल है, जहाँ पे रात को बोटिंग भी होता है, और यहाँ पे पूरा नाइट मार्केट लगता है। ये जितना आप देख रहे हो ये खाली एरिया, यहाँ पे रात को नाइट मार्केट लगता है, पर अभी कोविड की वजह से यहाँ पर नहीं लगता। जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पर वो भी ओपन हो जाएगा। और मेरे सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मामा इंडियन रेस्टोरेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंडियन ग्रॉसरी मिलता है और इतनी सारी वेराइटीज़ इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। यह सब कुछ हमारा इंडियन फूड है, आप देख सकते हैं मामा इंडियन रेस्टोरेंट कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ मिलती है। ये वाला दोस्तों इंडियन रेस्टोरेंट है, मामा इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया यही रेस्टोरेंट जो ब्लू थीम के उसके ऊपर है, ब्लू थीम वाला। गाइस आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर ठोक देना, ठीक है। और जितने मेरे भाई अभी सपोर्ट करे सबको मेरे दिल से एक बार थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और दोस्तों आने वाले कंटेंट के अंदर ये एरिया के आसपास के जितने मार्केट्स है, कुछ नई चीज़ें वो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वेटिंग कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।